गाइस नमस्कार, मेरा नाम है सोनू सैक और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पेटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी पेटीएम को अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि पेटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए, आप जान जाएंगे कि पेटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड, वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी पेटीएम अकाउंट क्रिएट करने से रिलेटेड, तो वो वीडियो पुरानी वीडियो है। अगर आप उन वीडियो को देख के पेटीएम अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए, क्योंकि यहाँ पे पेटीएम के अपडेट चेंज होते रहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को देख के आप पेटीएम में अकाउंट क्रिएट कीजिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको अगर नहीं है डाउनलोड तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और इसके बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको इसको परमिशन देनी होगी, अलाउ कर देना होगा। इसकी चार परमिशन है, इसको चारों को परमिशन देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी यहाँ पे इस तरीके से। तो मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज सेटअप कंप्लीट। अब यहाँ पे इसका इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग इन टू पेटीएम। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है अकाउंट तो लॉग इन पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो आपको नया बनाना है तो यहाँ पे आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों, आपको जिस नंबर से पेटीएम अकाउंट बनाना है वो नंबर यहाँ पे आपको डाल देना होगा। तो मैं नंबर यहाँ से डाल देता हूँ फटाफट से। अब दोस्तों, यहाँ पे नंबर डालने के बाद आपको प्रोस्ट स्क्वायरली पे आपको क्लिक कर देना होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने जो नंबर डाला उस पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर देनी होगी। तो फ्रेंड, मैंने ओटीपी यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और प्रोसेस स्क्वायरली पे आपको क्लिक कर देना होगा। और ये देख सकते हैं वैलिडेटिंग वेरीफाई और डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप अपना ईमेल भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिए, लेकिन मैं अभी ईमेल आईडी ऐड नहीं करूँगा। और इसके बाद मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका जो है केवाईसी होता है वो केवाईसी नहीं हुआ है। तो केवाईसी करने के लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस नंबर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रहा है सारी जगह। तो यहाँ पे अभी क्या करना होगा, यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना होगा आपको। और यहाँ पे आपके पास जो भी नरेगा कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और जॉब कार्ड जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो पासपोर्ट आ रहा है, और वोटर आईडी आ रहा है, और ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है, और नरेगा जॉब कार्ड, ये ऑप्शन है। तो ये कोई भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं तो उन्हें आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, मेरे पास है ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो यहाँ पे डाल देना होगा। अगर आपके पास नरेगा कार्ड है तो नरेगा कार्ड का जो नंबर होता है, जो जॉब कार्ड का जो नंबर होता है वो डाल देना होगा। और वोटर आईडी पे क्लिक करेंगे, अगर वोटर आईडी का नंबर है वो डाल दीजिए। तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे फटाफट से। इसके बाद दोस्तों, नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी नाम है वो डाल देना होगा, जो भी फुल नाम है वो डाल देना होगा नीचे साइड में। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आई कंफर्म यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और इसे सबमिट कर देना होगा आपको। तो दोस्तों, आपको जब कंफर्म कर देना होगा इसके बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन नॉट सेंड, यहाँ पे कैन पे टू और मर्चेंट्स, और कैन पे ऑनलाइन और एनी वेबसाइट। तो ये फीचर अब आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक आपका फुल केवाईसी नहीं हुआ। तो अपग्रेड एंड अकाउंट बेनिफिट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मिनी केवाईसी। तो यहाँ पे आपको जो है मिनी केवाईसी करवाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलॉक ऑल बेनिफिट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन विद ओटीपी, और इसके बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन एट नियर बाई केवाईसी पॉइंट। तो यहाँ पे आपके पास दो फीचर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने घर पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने घर पे जो पेटीएम का एजेंट होता है उन्हें बुला सकते हैं। और यहाँ पे आप आधार वेरिफिकेशन अपने पास में जो के पेटीएम की ब्रांच होती है वहाँ पे आप जाके पेटीएम की केवाईसी करवा सकते हो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप जान चुके होंगे कि पेटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी मैंने आपको फ़िलहाल बताया है कि पेटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपका हेल्प कर दूंगा और वहाँ पे आपकी रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल अगले बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।